हाँ भाई बच्चा पार्टी, लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने बातचीत करी थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, अभी हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म एक इसका स्पेशल केस हो जाएगा। सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों आते हैं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बातचीत करी थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व या सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियस, and the normal component and the component of acceleration which is perpendicular to the direction of velocity vector is responsible for the change in the direction of the motion. It is the important point. इसे note करिए बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं tangential acceleration को। तो A tangential जो होता है अपना, A tangential किसके tangential है ध्यान से समझना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी कर्व पाथ पे चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो होगी इस समय इस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन में होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इफ वी ड्रॉ एट पॉइंट पी। अब इस टेंजेंट की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का वेक्टर होगा वो वेक्टर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसे हम नॉर्मल वेक्टर कहेंगे या नॉर्मल एक्सेलरेशन कहेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट ही होता है बेटा हमारा, क्या होता है ये नेट एक्सेलरेशन, ए नेट। तो दिस इज ए नेट। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है ए टेंजेंशियल, कुछ इस तरीके से है ए नॉर्मल, और यहाँ पे अगर ये पैरेललोग्राम वाला यूज करें तो कुछ इस तरीके से आ गया अपना ए नेट, दैट इज ए नेट। ए नेट वेक्टर बच्चों कुछ इस तरीके से आ गया। अब ए टेंजेंशियल इज रेस्पॉन्सिबल द चेंज ऑफ स्पीड, तो हम ए टी को क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। व्हाट इज ए टी? द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस rate of change of speed, एकदम पॉइंट सिंपल सा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सर्कुलर मोशन, कर्व की बात बाद में देखेंगे। वैसे सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट एक कर्व पे ही तो चल रहा होता है। तो बेटा सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। ये हमारा सर्किल आ गया, बहुत बढ़िया सा, बहुत शानदार बढ़िया। इस सर्कुलर मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो किस टाइप का मोशन है बेटा ये? दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आसान बात है, एकदम आसान। अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है तो आपकी स्पीड टाइम के साथ चेंज यानी कि इंक्रीज करेगी, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे वेलोसिटी वेक्टर के तो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ कम होने लगेगी। इसको ऐसे समझो कि अगर कोई रिंग है, आपने रिंग रोटेट करती हुई एक रफ सरफेस पे रख दी, वो रिंग एक एक्सिस पे फिक्स है, यानी कि ऐसे फिक्स थी, आपने इसी पे रोटेट कर, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ऐसे ऊपर से घुमाई और उसे छोड़ दी और नीचे वो गई, तो नीचे फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या होने लगे, उसके समय के साथ स्पीड कम होने लगेगी। तो वहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो इस रिंग के जो वेलोसिटी वेक्टर होगा किसी भी पॉइंट के, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है। तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन में, यानी कि माफ कीजिएगा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही होगी। अब मैं देखना चाहता हूँ, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रिलेशन देख रहे हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड angular acceleration. Is there any relation? तो अगर देखो A टेंजेंशियल जो है अपना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, और स्पीड इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन v इक्वल टू आर ओमेगा होती है। v इज इक्वल टू स्पीड का अगर मैं बातचीत करूं तो v इक्वल टू आर ओमेगा होती है स्पीड। ओके, तो इट इज d बाई डी टी आर ओमेगा। व्हाट इज आर? आर इज द सर्कुलर मोशन की बातचीत कर रहा हूं बच्चों में, केवल अभी सर्कुलर मोशन की। तो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, तो दैट इज कांस्टेंट, सो वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन एंड इट इज डी ओमेगा बाई डी टी। Nice. A tangential is the rate of change of, what is d omega by dt? It is the rate of change of angular speed. And what is the rate of change of angular speed? Yes, it is the alpha, which is angular acceleration. So A tangential is equal to r alpha. So it is the important relation between the tangential acceleration and the angular acceleration. Please note it. अब देखेंगे नेट एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो नेट एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है बच्चों, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है। तो ए टेंजेंशियल क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि टाइम के साथ इसकी स्पीड बदल रही है। तो इसके दो एक्सेलरेशन जो भी नेट होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो होगा वो टेंजेंशियल होगा, दूसरा जो होगा नॉर्मल होगा। टेंजेंशियल यहीं पे क्या होगा हमारा? वेलोसिटी वेक्टर होगा, वी वेक्टर, इस इंस्टेंट पे, ठीक है। अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर योग, यानी कि वेक्टर सम, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज द नेट एक्सेलरेशन। सो नेट एक्सेलरेशन ए वेक्टर नेट इज इक्वल टू क्या होगा? ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल। इसको यहाँ पर बना के देख लेते हैं अलग से। तो देखिए ये आपका ए नॉर्मल कुछ इस तरीके से, ए टेंजेंशियल कुछ इस तरीके से, दैट इज ए टेंजेंशियल, दैट इज ए नॉर्मल, and the net acceleration is like this. So from here that is the a net, and if I want to calculate this angle theta, जो कि हमारे किससे बना रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। तो क्या होगा? tan theta is equal to a n, that is length of a n upon a t, that is the tan theta. So this is the angle made by the net acceleration from the tangential acceleration vector. अब अगर बच्चों देखो tangential acceleration का magnitude, तो that is the rate of change of speed, ठीक है, the rate of change of speed। तो यह हमारा होता है total acceleration in the case of non-uniform circular motion। इसे नोट कर लीजिए, बाकी बातचीत करते हैं आगे की। मेरे बच्चों अब बातचीत करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डेफिनेटली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज at इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ध्यान रखना वेक्टर नहीं है, कांस्टेंट है बेटा ये, और कांस्टेंट होने का मतलब आपका dv, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज जीरो, सो द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। क्वाइट इजी, आसान है समझना। अब क्या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है? आइए देखते हैं। तो ए नॉर्मल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देखते हैं हम। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन What is the centripetal acceleration? Let us check. अब कैसे देखिए centripetal acceleration in the case of uniform circular motion. देखिए डेफिनेटली जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे तो इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चेंज हो रहा है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो गया तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट करता है, वो केवल कौन सा होगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अब इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? सिंपल एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? नेट एक्सेलरेशन आपका बराबर हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन सिंपल ए नेट इज इक्वल टू टेंजेंशियल तो जीरो हो गया. वैसे ए नेट क्या होता है अभी पढ़ा था, ए नेट इज इक्वल टू ए टी प्लस ए एन एंड टेंजेंशियल इज जीरो तो ए एन. सो नेट एक्सेलरेशन द ए नेट वेक्टर क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. जो वेलोसिटी में चेंज आया उस कितने टाइम में आया उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाता है. दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन देखते हैं. अगर ध्यान से देखिए तो एक यहाँ पर मैंने कंसिडर किया एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल आर है. अब ध्यान से देखते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये ए पर था और कुछ टाइम टी के बाद ये डेल्टा टी बाद ये पहुँच गया पॉइंट बी पर. पॉइंट ए पर जो इसका वेलोसिटी वेक्टर रहा होगा टेंजेंशियल टू दी पाथ रहा होगा, पॉइंट बी पर भी टेंजेंशियल टू दी पाथ रहा होगा. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो वेलोसिटी है वी फाइनल वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा वी इनिशियल वेक्टर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड क्या है स्पीड ही है, बराबर वी कह दिया मैंने. अब आर आई इज द इनिशियल पोजिशन वैक्टर जब ऑब्जेक्ट ए पर रहा, ए पॉइंट पर रहा. आर एफ इज द फाइनल पोजिशन वैक्टर जब ऑब्जेक्ट बी पर रहा और डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट. तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एफ वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर आई वैक्टर बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज इक्वल टू आर. वेरी सिंपल, बहुत आसान है. अब मैं देखना चाहता हूँ चेंज इन वेलोसिटी वैक्टर डेल्टा वी. तो बेटा डेल्टा v बराबर क्या होगा आपका? डेल्टा v वेक्टर बराबर होगा v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर. और इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूँ. अभी मैं एक्सेलरेशन वेक्टर का एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ क्या होगा. तो डेफिनेटली इट इज डेल्टा v वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा t वेक्टर, डेल्टा t नॉट द वेक्टर वन सॉरी. तो डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करना है. So that is v final minus v initial which can be written as v final plus minus of vi. ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई स्क्वायर प्लस टू वी एफ वी आई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट इज कॉस थीटा एंड थीटा की जगह फाई कर दे रहा हूँ मैं. एंड व्हाट इज द फाई एंगल? फाई एंगल इज बिटवीन दी v फाइनल एंड माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर. इसके बीच का एंगल जो है वो फाई होगा. अब v इनिशियल इस डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ v इनिशियल बेटा इस डायरेक्शन में होगा. जस्ट 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं नेगेटिव. तो हमें ये वाला एंगल देखना है, ये है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस ऑफ वी आई. अब देखो ये जो है ना रेडियस है और ये जो है टेंजेंट है तो इसके बीच का एंगल 90 होता है. टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है. यहाँ पर भी ये एंगल भी क्या होगा? टेंजेंट है और ये रेडियस है 90 होगा. ये डेल्टा थीटा आपको देख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है. कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? 180 होगा. तो बेटा मैं लिख सकता हूँ दिस एंगल ए एम बी, द एंगल ए एम बी, यहाँ पे देखिएगा द एंगल ए एम बी, यही लिख लेते हैं क्या दिक्कत है. द एंगल ए एम बी इज द आवर फाई एंगल एंड दिस फाई एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? इसका और इसका सम क्या होना चाहिए था? 180. तो ये डेफिनेटली कितना रहा होगा? 180 माइनस डेल्टा थीटा. तो दैट इज 180 माइनस डेल्टा थीटा. ठीक है, ये मैंने क्या कहा है? ए एम बी क्या है मेरा? फाई एंगल। तो डेल्टा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180। तो इस फाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ एंड वी आई भी रख देते हैं। तो डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस डेल्टा थीटा। एंड व्हाट इज डेल्टा थीटा, इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, so that is 2v square which can be taken out from the square root, that is square root of 2v, 1 square root of 1 cos pi minus delta theta, ये लाई करेगा अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में और cos जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो 1 माइनस cos ऑफ डेल्टा थीटा। तो यहाँ तक की बातें हमने कर ली, अब आगे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए उससे पहले। तो बच्चों और देखते हैं इसको आगे डिटेल्ड में और एनालाइज करते हैं। तो डेल्टा वी वेक्टर अपना हो गया स्क्वायर रूट टू वी, 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, इसको लिख लिया यहाँ पे, that is square root of 2 sin square delta theta by 2। अब ये रूट टू हो गए अपने 2 v sin square theta square root के बाहर आ जाएगा, तो sin delta theta by 2 it is the change, it is the magnitude of change in the velocity vector, it is the magnitude of change in the velocity vector। तो अपना एवरेज एक्सेलरेशन बेटा निकालने के लिए हमें टाइम भी तो देखना होगा, ये ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो ए से बी तक जाने का टाइम निकालने के लिए क्या देखते हैं, हमारी स्पीड क्या है, स्पीड है हमारी v, और ए से बी तक इसका जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी वो कितनी होगी, दिस आर्क लेंथ। तो अगर मैं लिखूँ स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर है अपनी v, एंड ये स्पीड बराबर क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज ए टू बी, और ए टू बी इज द आर्क लेंथ, एंड आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, एंड व्हाट इज द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बाय दिस ओ ए एंड ओ बी, दैट इज डेल्टा थीटा। तो हम लिख सकते हैं स्पीड बराबर आर, दैट इज द डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस जो कि आर्क लेंथ है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा टी। It can be written as v, delta t can be written as r delta theta divided by v. So what is the average acceleration? The average acceleration is 2v sin delta theta by 2 divided by r delta theta and upon v, which can अगर ये जो नीचे वाला है वो ऊपर ले गए तो ये हो गया v स्क्वायर। अब अगर ये तो मेरा आ गया बच्चे एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करूं, इंस्टेंटेनियस के लिए डेफिनेटली ये टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, डेल्टा टी इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, एंड इन दैट केस जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा तो डेफिनेटली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो भी बहुत छोटा हो जाएगा, और हम कह सकते हैं फॉर इफ डेल्टा टी इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स जीरो, यानी कि डेल्टा टी बहुत छोटा होता जा रहा है, डेफिनेटली डेल्टा थीटा इज ऑल्सो बिकम जीरो। इन दैट केस, उस केस में आपका जो साइन थीटा होता है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है, तो यही केस कर देते हैं। तो ए इंस्टेंटेनियस, जो आपका ए इंस्टेंटेनियस है इस केस में हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन ऑफ जो भी अंदर एंगल है, एंगल को लिख देते हैं सिंपल, डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन आर डेल्टा थीटा। 2 ने 2 को मारा, डेल्टा थीटा ने डेल्टा थीटा को मारा, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई आर। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये उन बच्चों के लिए जो हमारे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा वर्जन भी है जो सीबीएसई वाला है, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आए तो मैं क्लियर कर दूंगा, तो डेफिनेटली जल्दी से इसे नोट कर लो। अब बच्चों हम देखना चाहते हैं कि ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन है इसकी डायरेक्शन वाकई में क्या टुवर्ड्स सेंटर रहती है या नहीं रहती है। तो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, डायरेक्शन ऑफ क्या वाकई में डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलेरेशन कह दो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेट एक्सेलेरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो जीरो होता है और सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं इसे, क्या होगा। तो मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बातचीत कर रहा हूं यहां पर। एवरेज एक्सेलेरेशन तो हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद इंस्टेंटेनियस हमारा क्या आया था, जो इंस्टेंटेनियस सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन था वो था हमारा v²/r, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। अब मैं देखना चाहता हूं, जब मैंने कहा कि डेल्टा टी बहुत छोटा है यानी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो डेफिनेटली डेल्टा थीटा भी गोइंग टुवर्ड्स जीरो, बहुत छोटा है। इस केस में क्या होगा देखते हैं। तो दिस इज आवर सर्कुलर पाथ एंड हेयर इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली यहां पर है, ये रही इनिशियल वेलोसिटी, और बहुत छोटे से एंगल जब चला वेक्टर बहुत छोटा सा चला तो इसकी फाइनल दिस इज ओवर v इनिशियल वेक्टर और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, टेंजेंशियल टू द पाथ लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आ जाएगी टेंजेंशियल टू द पाथ ये। अब देखें अगर हम दैट इज ओवर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, डेल्टा थीटा जैसे जैसे स्मॉल होता जाएगा वैसे वैसे ये और करीब आता जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे डेल्टा थीटा मेरा छोटा होता जाएगा यानी थीटा और छोटा होता जाएगा उतना वेलोसिटी वेक्टर ये करीब आते जाएंगे। और मैं अगर देखूँ डेल्टा भी इस समय थोड़ा सा रेडियस से आउट है, लेकिन जैसे ही करीब आ जाएंगे तो कुछ बहुत छोटे एंगल के लिए क्या सिचुएशन होगी, कुछ इस तरीके की हो जाएगी। और आपका जो डेल्टा v वेक्टर है ये v इनिशियल है, ये v फाइनल है वेक्टर, और जो डेल्टा v वेक्टर है वो कहाँ आ रहा है, रेडियली इन्वर्ट आ रहा है। जो डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी डेफिनेटली। तो इन दैट केस हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा थीटा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे डेल्टा v वेक्टर कहाँ होता जाएगा, रेडियली इन्वर्ट होता जाएगा। तो देखिए जब थीटा बहुत छोटा हो गया तो आपका जो ये एंगल था किसके बीच में, ये जो आपका एंगल था ये तो थीटा ही है, जब आपका एंगल बहुत छोटा था, सॉरी जब आपका एंगल बच्चों बहुत छोटा था तो डेल्टा v रेडियली इन्वर्ट हो गया। तो जब डेल्टा v रेडियली इन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली आपका जो एक्सेलरेशन है रेडियली इन्वर्ट हो गया। इस चीज को, इस डायरेक्शन को अगर मैं इस डायरेक्शन क्या यूनिट वेक्टर r कैप कहता हूँ, r कैप इज द रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर। व्हाट इज r कैप? यूनिट वेक्टर which is radially outward outward। तो ये रेडियली इनवर्ड है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, माइनस का r कैप। सो दिस इज द एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप सभी लोगों को ये सब समझ में आया होगा डेफिनेटली। जल्दी से नोट कर लो और कहीं कोई दिक्कत आई है तो मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों नोट करो इसे। तो बच्चों अभी के लिए इतने ही रहने देते हैं, सारे पॉइंट्स इसके डिस्कस हो गए। अगर कहीं भी कैसा भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखना, और कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, जैसी लगी जैसी आपको मन को भाई हो मुझे बताना, कमेंट में लिखना। और अभी के लिए इतना ही, अभी मैं चलता हूँ। आप लोग पढ़ो, मेहनत से सीखो, कहीं कोई डाउट आए तो पूछो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी बताओ, अपने साथियों को भी बताओ, और जल्दी से सब्सक्राइब करवाओ यार। फिर हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत बढ़िया लाइव सेशन, बहुत बड़े लेवल पर, जिसमें काइनेमेटिक्स के काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बता दो। मैं चलता हूं, जय हिंद।